কাই দে দেখো এই মনে হচ্ছে না পার করতে গিয়ে মরা গেছে গাইস ऐसा लगता है कि वो सड़क पार करते हुए शायद कोई गाड़ी धक्का मार दिया है और इसका काम तमाम हो गया है। এটা জানিস অনেক মানে কি ওই যে তোর এ প্রজাতির ডাইনোসরের প্রজাতির মানে এ মানে প্রজাতি মানে ওই টাইমেরই সব মানে কি একটা আরো একটা থাকে না কি কুমোড ড্রাগন বলে আছে কুমোড ড্রাগন আর এই যে একই জাতের তো পরে তোমার ডাইনোসরের যুগের সব এরা গাইস आंखों का हाल देखो आंखों का हाल क्या हुआ है पूरा लाल लाल हो गया है बंदर के गाड़ के जैसे मेरा आंख लाल लाल हो गया है। तो टाइम टू से टाटा बाय बाय हाँ कॉल करो यदि को ना सुधा कौन दिखे राइट या लेफ्ट लेफ्ट या जाबो इस साइड हाँ তো সামনে থেকে গিয়ে তো অনেক লম্বা আছে এদিকেই ঘুরে যাই What a view! Hey, how many hours have you been there? How many hours have you been there? How many I'm ready to go. चाइल्ड ये भाले चले जाते हैं। भाई एक बात जानते हो जब लॉन्ग रूट जाने के बाद जब वो स्पीड उठाया जाता है NS 200 का मुझे बहुत दिक्कत लगता है और बहुत सारा प्रॉब्लम है कंप्लेंट के वजह से NS 200 के लिए। कारण ये है कंप्लेंट कि जब स्पीड 100 से ऊपर जाए लाइक कोई भी राइडर 50 या 55 या 60 केजी का हो अगर राइड करे 100 से ऊपर जाए आपका बाइक ऐसे फेंक करने लगता है ऐसे हिलने डुलने लगता है ठीक है। अगर दो आदमी बैठे तब जाके मिनिमम 100 के ऊपर जाओ 125-30 तो ठीक रहता है लेकिन अगर 60 केजी या 65 केजी अगर कोई राइडर हो अकेले चला रहा हो तो बाइक इतना ना खांपने लगता है डर लगने लगता है कि इतना स्पीड उठाए या ना उठाए इतना खांपने लगता है कि बाइक कब पलट जाए कब पलट जाए ऐसे खांपने लगता है लग अलग जैसा खांपना शुरू हो जाता है क्योंकि हम नोटिस किए हैं जब हम अकेले चलाते हैं लाइक भाई पीछे नहीं बैठे रहता जब हम अकेले चलाते हैं तो 100 के जैसे ऊपर जाता है ना ऐसे ऐसे कांपने लगता है अगर भाई को बैठा कर चलाते हैं तो आराम से 130-125 आराम से उठ जाता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और सेकेंड प्रॉब्लम यह है कि NS 200 में कितना सारा गाड़ी में अभी अपडेटेड में सब गाड़ी में LED दे दिया है सब गाड़ी में LED दे दिया है आपका इंडिकेटर बोलो हेडलाइट बोलो बैक का बोलो सब LED दे दिया लेकिन एजेंट में चला LED लगा ही नहीं रहा क्योंकि तो अपना कस्टमर खुद ही लॉस कर रहा है जो बजाज कंपनी है ना खुद ही लॉस कर रहा है क्योंकि कस्टमर मांग रहा है जो नया नया फीचर आ रहा है सब पे अपडेट कर रहा है अच्छी बात है लेकिन यार थोड़ा LED दे दो यार अपडेट करो LED का अपडेट करो और जो प्रॉब्लम है उसको ये करो नहीं तो चलेगा कैसा जो NS लवर्स है वो उनका दिल टूटेगा लाल सुनी तीनों तुम्हारा B2 तो चल ही रहा है तुम्हारा B3 में जाएगा R1 में जाएगा ये सब में जाके तुम्हारा वाट लग जाएगा। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मैं जम्मू आ गया हूँ अपने दोस्तों के साथ लेके एक वीडियो के साथ। तो गाइस आज का टूर बहुत रोमांचक होने वाला है वीडियो को कोई भी एक मतलब कोई भी स्किप नहीं करके फुल वीडियो को देखना और वीडियो को भरपूर इंजॉय करना। तो गाइस अभी हम लोग फिलहाल तो दिल्ली रोड में हैं यहाँ से जाते हुए बहुत सारा टेम्पल जाना है घूमते हुए एक ब्रिज भी देखना है नाम तो पता नहीं है लेकिन चलो आगे आपको एपिसोड का जो इंजॉय करो आप एपिसोड को आगे देखते जाओ वीडियो को पूरा देख पाओगे कि हम लोग कहाँ कहाँ घूमें।
कितना क्यूट सा लग रहा है ना। और सबसे ज़्यादा क्यूट तो वो छोटे छोटे गुड़िया हैं उस बैग में लगा हुआ, वो सबसे ज़्यादा क्यूट लग रहा है। मौसम का हाल तो आप देख ही रहे हो क्या हुआ है। अच्छा से पहुंच जाए बस, पूरा बादल घेरे हुए है, बहुत जोर से बारिश आने वाला लग रहा है। अरे हमको क्या है भैया, बारिश है कुछ भी, हमको तो घूमना है। इधर को जा रहा है, ओके लेट्स गो। नहीं हमारा ओखान से तादारी बेरी गई भलो तो बिस्टी भारो है, बिस्टी शुरू हो गया। डरा क्यों है ऐसे बोल के, हमको लगा कोई सामान छोड़ के आ गया। लेफ्ट राइट, ओ टोल प्लाजा जैसा ही है लेकिन बन रहा है। हाँ अगर किसी को पता है तो गाइस बताना ये चीज़ क्या है, मतलब टोल प्लाजा जैसा तो बना हुआ है लेकिन अभी नहीं हो रहा, कलेक्ट नहीं कर रहा है। अगर किसी को पता होगा तो ज़रूर बताना। रोड का नाम की मोहन की जगह का नाम की लो, बारिश भी स्टार्ट हो गया गाइस। मौसम इतना अच्छा था सुबह से, अब तो बारिश स्टार्ट हो गया, बुना बांधी शुरू हो गया धीरे धीरे। यहीं पे गिरा होगा, देखो देख पाओगे शायद। बारिश स्टार्ट, बस मंजिल तक पहले पहुंच जाए, उससे पहले बारिश ना हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। बहुत जल्द से जल्द पहुंच जाए, अभी तो 47 किलोमीटर आ गए हैं और शायद आपका 15 किलोमीटर बाकी है। नहीं तो 15 किलोमीटर बाकी होता है, 15 किलोमीटर और है, इसके बाद तो पहुंच जाएंगे जहां जाना है, लाइक त्रिपुरा जाना है, जिस जगह जाना है उसका वहाँ। शायद ऊपर काम चल रहा है, पूरा बंद है, इसलिए वन वे को ही टू लेन कर दिया है कि अप डाउन का जो आता जाता है। देखिए सामने सबसे खतरनाक लगता है कि टू लेन का जो रास्ता होता है ना, गाड़ी से उधर भी आया इधर से जाए ना, वो बहुत रिस्की रहता है। लाइक पता नहीं कौन सा कौन ड्राइवर आके स्पीड में आए, धीरे से आए, जो भी आए कैसे घुमा दे, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ बनाया गया नहीं है, जो जैसे भी आए बस थूक जान थूक दे तो बस हो गया बेड़ा गर्क। मुझे तो बहुत डर लगता है जो टू लेंथ का जो रोड होता है उसमें, बहुत डर लगता है। देखो सामने से कैसे आ रहा है, कोई जगह बच नहीं रहा जाने का। वही देखो दी 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 दी।
किलोमीटर तारकेश्वर है, चारपड़ा की जो तारकेश्वर 35 किलोमीटर आ रहे हैं किलो नहीं मिस कर गया आप। अरे आग इतना जल रहा है गाइस क्या बताएं, इतना धूल मिट्टी जो लग रहा है ना आग जल रहा है, अच्छा तो दिख भी नहीं रहा है। তখনই লেগে থাকবে রোডের সাথে কি যখন ভারী থাকে, যেমনি কি রাইডার যদি ভালো থাকে একটা দুটো থাকে, যেমনি এখন যেটা বললাম আমি, তাতে কি হয় বলতো বাইকটা আর কি চেক করবে না, তো পড়ে যাওয়ার ভয় থাকে, মানে কি পাল্টি যাওয়ার ভয় থাকে, একা চালালে আর দুজন থাকলে কি ভারী থাকে, তুই 130 উঠি দে আরাম করে, 125 উঠি দে মানে কোনো প্রবলেম হয় না। এটা কি বর্ধমান 80 কিলোমিটার মৌকরা কল্যাণী মোগড়া আর আরে একটা কি ছিল गाइज। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को ढेर सारा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं कोई अच्छी सी वीडियो में, हमें राय प्यार के फिर मिलेंगे, चलते चलते।